नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, आप भी वीडियोस बनाकर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हो, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को हैक कर मिलियंस व्यूज प्राप्त किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे ये मुमकिन हुआ और किस प्रकार के लोग हैं जो कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्यों एल्गोरिथम को हैक करना चाहते हैं, और क्यों वो अपने व्यूज को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म पर आना जितना आसान है, उतना ही ज्यादा मुश्किल है YouTube के प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक बने रहना। YouTube के प्लेटफॉर्म पर अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते हो, तो आपको YouTube की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, YouTube की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, और उसके बाद आपको अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर कंप्लीट करने होंगे। और जब आप YouTube चैनल का ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका चैनल मोनिटाइज कर दिया जाता है और आपके वीडियो के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में आपकी यूट्यूब से इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम लोग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब वो तैयार वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं और उनके वीडियोस को इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर देखने वाला कोई भी नहीं मिलता, तो बिल्कुल वो शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। यानी कि वो कोशिश करते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिथम वो हैक कर सके, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग वो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम हैक कर वो मिलियंस व्यूज अपने प्रत्येक वीडियोज के ऊपर प्राप्त कर सके, या फिर कुछ एप्लीकेशन का सहयोग वो लेते हैं, या फेसबुक का सहयोग वो लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी नई वो ऐप डेवलप कर देते हैं। काफी सारे लोग ऐसे डेवलपर भी हैं जो कि अपनी नई ऐप बना देते हैं कि भैया आप इस ऐप का इस्तेमाल करिए और मिलियंस के अंदर व्यूज की प्राप्ति करते चले जाइए। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, जो गूगल बाबा है वो दूर बैठा है, यानी कि जो एल्गोरिथम हमारी यूट्यूब की है, जो गूगल की है, वो ये मान लीजिए आपकी हर गतिविधि के ऊपर, आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रखती है, और आप जो भी काम करते हो उसके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो जैसे आपने कोई भी गलत गतिविधि करी, तुरंत ही वो आपको नोटिस दे देगी, तुरंत ही वो आपके चैनल को सस्पेंड कर देगी, और तुरंत ही आपके सारे के सारे सब्सक्राइबर वो डिक्रीज भी कर सकती है, आपके वॉच टाइम आवर को वो डिक्रीज भी कर सकती है, आपके जो व्यूज है उसको भी वो डिक्रीज कर सकती है। यानी कि आपने शॉर्टकट अपनाकर, मान लीजिए सपोज कीजिए मिलियंस व्यूज आपने पा लिए, मिलियन सब्सक्राइबर आपने पा लिए, लेकिन जब आपके चैनल के ऊपर यूट्यूब के एल्गोरिथम की नजर पड़ेगी, तो वो सारा का सारा जीरो आपको कर देगा और आपके चैनल को तुरंत ही वो सस्पेंड कर देगा। तो आपको मैं बताऊं, शॉर्टकट मत अपनाइए, आप मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको बिल्कुल जरूर मिलेगा, और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 3 मूल मंत्र अपनाने हैं। यानी कि अगर आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक रहना है, तो आपको मात्र 3 मूल मंत्र अपनाने हैं, और 3 मूल मंत्र से ही आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा व्यूज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर और ज्यादा से ज्यादा इनकम भी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला काम है कि कंटिन्यूटी आपको बनानी है, रेगुलर आपको वीडियोस अपलोड करने, रोजाना आपको अपने चैनल के ऊपर कम से कम एक वीडियोस डेफिनेट अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको अपने चैनल के ऊपर टॉपिक अच्छा रखना है। कोशिश ये कीजिए, या तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाइए, या फिर जिस टॉपिक के ऊपर आपको सबसे ज्यादा जानकारी है उस टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियोस बनाओगे, तो डेफिनेट आप अपने चैनल के ऊपर, आप अपने वीडियोस के अंदर बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सकोगे, और बहुत ही कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि हासिल करते चले जाओगे। दूसरी अगर हम बात करें तो क्वालिटी, दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, दूसरे मूल मंत्र की अगर हम बात करें, तो क्वालिटी के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको अपने वीडियो क्वालिटी भी बेस्ट रखनी है, ऑडियो क्वालिटी भी बेस्ट रखनी है, साथ ही साथ सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आपको अपने वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करनी है, जो कि सभी वर्ग के लोगों को समझ में आ जाए, सभी को समझ में आ सके, और समझने के बाद में वो आपके वीडियोस को लाइक भी कर सके और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सके। और वीडियोस बनाने से पहले आपको उस वीडियो से संबंधित सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा कर लेनी है, उसके बाद में आपको वीडियोस बनाना है, ताकि आप अपने हर वीडियोस के अंदर बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सको। और तीसरे मूल मंत्र की अगर हम बात करें, तो सबसे मेन चीज होता है हमारे वीडियोस का थंबनेल।
जी हाँ दोस्तों, थंबनेल अगर आप अट्रैक्टिव बनाओगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाओगे, थोड़ा अलग हटकर बनाओगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट कर लाएगा और ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति आपके चैनल के ऊपर, आपके वीडियोस के ऊपर होती चली जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो लोगों को पसंद आएगी। अगर आपकी जानकारी लोगों को अच्छी लगेगी, अगर आपकी क्वालिटी लोगों को अच्छी लगेगी, तो डेफिनेट वो आपके चैनल को लाइक भी करेंगे, आपके वीडियोस को लाइक भी करेंगे और आपके चैनल को वो सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। तो ये तीन मूल मंत्र अगर आप अपनाओगे तो डेफिनेट आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। लेकिन जब आपकी स्पीड होगी तो आप अमेजन में नहीं कर पाओगे कि आपकी स्पीड इतनी तेजी से होगी कि आप सभी को पीछे छोड़ते चले जाओगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाते हो तो डेफिनेट आप एक बार जरूर ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे, लेकिन जिस तेजी से आप ऊंचाई पे गए हो उससे डबल स्पीड से आप नीचे गिरोगे। और जब आप नीचे गिरोगे तो आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपका अस्तित्व पूरा ही खत्म हो जाएगा, यानी कि दोबारा से आप YouTube का प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं करना चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।